नजर दोष काला जादू हाय कहते हैं ना ये क्या वाकई में किसी इंसान के किस्मत पे इफेक्ट कर सकती है उसके आभा मंडल पे इफेक्ट कर सकती है अगर हाँ तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं और जानेंगे उसके जबरदस्त निवारण जिससे क्या होगा बदल जाएगी दशा की दशा पक्की बात है जानेंगे हम इस वीडियो में लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों में शाना सेठ कैसे आप दोस्तों वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी सुंदर माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए जबरदस्त वाली कैसे हो मेरे पाशा लोगों चलो एक लक्षणों से हम लोग कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं अचानक से हमेशा वैसे पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि लक्षण कहते हैं ना हर चीज अपना एक वो कहते हैं ना तर्क दे जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहते हैं ना जब नेगेटिव प्लैनेट की भी दशा आती है वो आ, सामने से नहीं आता वो कुछ ना कुछ सिम्टम देते हैं लेकिन आज हम ग्रहों के बारे में बात थोड़ी कम करेंगे हालांकि जो काला जादू होगा बदुआ हो गई नजर दोष हो गई ये भी उन लोगों के कहते हैं ना जीवन में प्रभावित ज्यादा करेंगे जिसका मंगल कमजोर है जिसका शनि कमजोर जिसका बुद्ध कमजोर है जिसका राहु अगर बारवे घर पे है वहां पर यह जो प्रभाव होंगे वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलेंगे यह पक्की बात है जो कि मैंने हमेशा इस चीज को प्रूव करके दिखाया है सीधी सी बात है तो अब अचानक से जैसे कहते हैं ना आप जब तुलसी लगाते हो तुलसी सूख जाती है जब पौधे लगाते हो पौधे सूख जाते हैं घर के जो क्या कहते हैं आपने एनिमल रखे हैं वो डॉगी पाला है या बिल्ली जी है या कोई भी आपके पशु पक्षी जो भी हैं वो घर के कहीं ना कहीं बीमार होते चले जाते हैं घर पर लड़ाई झगड़े अचानक से अभी बैठे पता नहीं क्या हो गया कि एक बंदे को अजीब सा बिहेव रहा है जिसकी वजह से घर पर अजीब सी उदासी आ गई है और ऐसे अजीब सी घबराट घबराहट होनी इस हिस्से पे काला धब्बा होना इस हिस्से पे काला धब्बा होना अगर ये एकदम से काले काले धब्बे अचानक से पड़े तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा अचानक से वो कहते हैं ना ऐसे लग रहा है सोकर उठते हो सुबह उठते हो अच्छा खासा सोए भी हो लेकिन फिर लग रहा है कि यार बॉडी में जान नहीं आ रही अचानक से बीमारी बि, पे बीमारी आ रही है बीमार बीमारी ना भी हो तो बीमार फील हो रहा है कुछ करने का मन नहीं क्या कहती है आंखों के नीचे काले ढब्बे आ रहे हैं आंखें एकदम छोटी छोटी हो जाती हैं कुछ बीमारी नहीं की ये नहीं कि कुछ ऐसा वीक हो गई है वीक नहीं। से नहीं खुल रही ये सारे लक्षण उस चीज के हैं एक इंसान अपनी गलतियों की वजह से दे दनाधन दन दुर्घटना पे दुर्घटना दे धनादन नुकसान पे नुकसान कहते हैं ना इंसान की बुद्धि फिर गई कि ये कर क्या रहा है हर चीज तहस नहस अपने ही हाथों द्वारा करे जा रहा है अचानक से मतलब कहते हैं नुकसान हो रही है कभी ये खराब हो रहा है कभी वो खराब हो रहा नालिया जाम हो रही है नालियां पानी की लीकेज शुरू हो गई अचानक से ये होता है तितर-पितर होना अचानक से स्मेल घर पे सब पोछे लग रही है सब को जल रहा है अगरबत्तियां जला रहे कपूर जला रहे स्मेल ही नहीं जा रही हर चीज होने के बाद भी घर एकदम सूना लग रहा है ये लक्षण है ये लक्षण हैं। अगर इनमें से कितने लक्षण बताए अगर तीन चार भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ होगा लेकिन मेरे पाशा लोग आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं लोहा लोहे को काटता है जो जो लोग बोलती हैं, तुम्हारे ऊपर कुछ कर करा दिया है इसकी पूजा लगेगी क्या बेवकूफ बन रहे हो मैं अगर किसी की कंसल्टेशन करती हूँ वो पैसा देता है मैं उसको अपनी कंसल्टेशन देती हूँ वो मेरी एनर्जी है वो पैसा दे रहा है वो उसकी एनर्जी हमारा कर्मा कट हो गया लेकिन जो इस चीज़ को काटता है अगर उसने एक पैसा ले लिया तो समझ जाना फ्रॉड है कैसे समझाऊँ आपके ऊपर काला साया है अब एक कालास आया है तो उसको भी तो उससे ही ठीक करेंगे लेकिन घबराने की कोई बात नहीं पहले काम करती हूँ आज जो मैंने मन में ये बात सोची थी पहले कुछ डिग्री से चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं ट्राई बोले तो आ, देखते हैं इसका असर जो है वो जो चीज़ें हैं हमारे को क्या कहते हैं ना अगर पहल, पहले थोड़े बम के अपने तरफ से फोड़ डालते हैं अगर तो वो चीजें ठीक हो जाती है फिर तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं सीधी सी बात है अगर लगेगा कि भाई थोड़ा असर आ रहा है और थोड़ा असर अभी और बाकी होना है तो मुझे कमेंट कर देना कोई बात नहीं ये चीजें पहले कर लो कोई घबराने वाली बात नहीं है चलो अब बताती हूँ क्या करना है आ, मैं कह रही वो लाओ क्या कहते हैं चौमुखी दीपक मैं चाहती आप जलाओ चौमुखी दीपक में अंदर आपने सरसों का तेल इतना बड़ा दिया रखना कि वो रात को कम से कम पाँच छः घंटे जले पाँच छः घंटे वो जलना चाहिए चौमुखी दीपक अब बताती हूँ क्या करना है चौमुखी दीपक में सरसों का तेल का मिट्टी का दीपक बनाओगे उसके अंदर सरसों का तेल डालोगे ग्यारह काली मिर्चे ग्यारह काले तिल उसके अंदर डाल दोगे एक मोची की मोटी सी कील आपने लेके आने मोची से कील जो होती है वो आप लेके आओगे वो भी उसके अंदर डाल दोगे अब आपने क्या करना है ये जो कार्यक्रम होगा ये आपका होगा ग्यारह बजे के बाद इस चीज का ध्यान रखना है जल्दी सोते हो दस बजे सोचते हो सोते हो वेरी गुड लेकिन अभी हमने कोई चीज को कहते ना निकाल बाहर फेंकना है अगर जिन जिन्नात है अगर तो ये साया है तो मतलब अगर अगर ताला है तो चाबी भी तो है ये बात हो है अभी आज तक आपकी चीज़ आपके तो हमने पूजा कराई थी हमने ये कराया था वो कराया था अभी तक वो चीज़ें शांत हुई नहीं क्योंकि आपने तरीके से तो कुछ किया ही नहीं ना समझे मेरी बात को हर चीज है ऐसी ऐसी स्टडी है ऐसी ऐसी निवारण है जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब आपने क्या करना है उसके अंदर चौमुखी दीपक आपने जला देना है सीधी बात है जब ये चौमुखी दीपक जलाओगे उससे पहले आपने करना है एक हवन हवन किस चीज का होगा वो मंत्र नोट डाउन करोज रीम श्रोम रीम रीम श्रॉम रीम रीम, रीम श्रम रीम इससे किससे करोगे घी और काले तिल से इससे आपने अवती देनी है देख लो आपके ऊपर है 108 तो दे ही देना जब ये चौमुखी दीपक मान लो ये आपने करना है ग्यारह बजे आपने चौमुखी दीपक जलाना मैं फिर बोल रही हूं पांच छे घंटे जलना चाहिए और इसको कहाँ रखोगे वो मैं अभी आपको बताती हूं आप घबराओ मत ये आपने पहले हवन कर दिया हवन जब करोगे कहां करोगे साउथ में साउथ वैसे एक आपको बात बता देती हूं यही कुछ कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनका जो पितृदोष जिनकी पत्नी में होता है पितृदोष क्या होता दूसरे, वे, वे, है है दूसरे सातवें ना इन भावों में जब कहीं ना कहीं बृहस्पति बुद्ध शुक्र कहीं ना कहीं राहु केतु शनि से ग्रसित हो तो कहीं ना कहीं वो क्या बोल दिया जाता है पितृदोष सीधी बात है बट चलो कोई बात नहीं मैं आपको हर चीज का इलाज बताने के लिए ही पैदा हुई हूं <laughs> है कि नहीं अब आपने क्या करना है अब आपने ये जब आपने हवन कर देना है काले तिल और घी से ओ रीम श्रोम रीम स्वाहा रीम श्रोम रीम स्वाहा रीम श्रोम रीम स्वाहा कर दिया अब आपने ये जो चौमुखी दीपक होएगा ये आपने जलाना है अपने ब्रह्मस्थान पे अपने घर के बीचों बीच पे जलाओगे मिट्टी का होना चाहिए अब ये मत पूछना आटे का बनाए आटे का कैसे बनाओगे क्योंकि इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसमें आटे का बनी नहीं सकता सीधी सी बात है अब आपने क्या करना है अब आपने सात बजे से पहले पहले उठकर है ना ये पांच छह घंटे जलता रहे ब्रह्मस्थान पे पूरा सोक लेगा पूरा सोक लेगा क्योंकि उससे पहले हमने दूसरी चीज भी कर दिया है ना अब हमने ये जो होगा मिट्टी का दिया लेके जाना है और चौराहे पे पट करके फोड़ के आ जाना है मुड़ के मत देखना आ जाना अब आप बोलोगे सब होंगे हम कैसे करें भैया चार बजे चले जाओ ग्यारह बजे कर रहे हो चार पांच घंटे भी जल गया हमारा काम तो हो गया क्या हो गया चार बजे चले जाओ पांच बजे चले जाओ कौन चौराहे पे आपको देखने जाएगा नहीं है तो पीपल के पेड़ के पास आसपास कहीं कहते ना कुछ मीटर पे कि उस पे मतलब वहां पर कहीं फोड़ आओ लेकिन मुड़ के मत देखना या चलो कुछ बात नहीं रखाओ लेकिन मेरे हिसाब से अगर फोड़ते हो तो बेहतरीन वैसे काम करेगा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं एक और चीज आपको बताती हूँ घर के ही ब्रह्मस्थान पे मैंने पहले भी बताया था ये काम जरूर कर लेना और मालूम हो जाएगी कि भैया क्या है क्या नहीं है आ, तीन किलो जो पालक होगी तीन किलो पालक घर के ब्रह्मस्थान पे रख देना उसके बाद में सुबह उठकर ये किसी भी दिन कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार बुधवार को कर दो कोई बात नहीं मंगलवार रात को पालक रख देना बुधवार को जाकर ये आपने गाय के आगे रख देनी है अगर तो गाय सूंघ कर मुँह फेर ले तो पक्की बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ है है ना अगर थोड़ी वो कर रही है फिर कर रही है एक खा रही है फिर बाकी छोड़िए फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है वो तो सारे उपाय बता ही रही हूँ अभी तो और हाई डिग्री पे चली जाऊंगी ना पहले ये तो करो पूछ दो अब हम क्या करें अब हम क्या करें पहले हाई पहले हम थोड़े थोड़े डिग्री से शुरू करेंगे अगर कुछ लगा तो मेरे को कमेंट करो मैं चीजें और डिस्कस करूंगी बाबा एक वीडियो में कितनी चीजें डिस्कस करूं सीधी बात है तो ये जो चीज होएगी है ना अब आपने क्या करना है अगर वो मुंह फेर लेते चलो भाई हमको कंफर्मेशन हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपने शिवलिंग पर 45 डेज तक शिवलिंग पर अब लोग बोलते एक तो तंत्र होता है तंत्र देखो कोई भी आप उपाय भी करते हो वो भी एक तरह की तंत्र विधि है जो हम शब्द का उच्चारण करते हैं वो मंत्र विधि है समझे लेकिन यहां पर जब किसी की ऊर्जा को बांधित हो जाती है तो वो काला तांत्रिक विधि होती है है ना यहां पर हम किसी का नुकसान तो कर नहीं रखे हमको डरना पड़े सीधी सी बात है और तंत्र से लोग डर जाते हैं तंत्र शिव बाबा शिव जी भोलेनाथ तो कहते ना तंत्र के जनक थे उन्होंने जो रचनाएं रख दी वो गलत हो ही कैसे सकती है सीधी सी बात है वैसे तो एक और उपाय था फिर ये पाखंड की दुकानें इसमें बोलेंगी हाय हाय ये क्या बता रही है वो क्या बता रही है तो मैं क्या ही बोलूं अभी पहले आप ये चीज कर लो है कि नहीं आ, क्या कहते हैं मैं चाहती हूँ शिवलिंग पर आपने घी से ओम बना लेना है घी से ओम शिवलिंग पर ओम बना लो ओम बना लो 45 डेज तक लगातार लेडीज़ बोलेंगी बीच में जो साइकिल आएगी उसमें नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं मेरी जान बाद में कर लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं उतने दिन छोड़कर अपना जैसी आप अपना वो कहते हैं ना स्वच्छ होते हो एकदम सुच्चे होते हो फिर उसके बाद आप फिर से चले जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं कितनी चीज़ें बताइए इस चीज़ को करो कोई घबराने वाली बात नहीं एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है व्हाट्सअप करना मैं कॉल नहीं उठा पाती आ, और मैग्निफाइड uh, ही सीखो भैया कहते ना अपने मस्तिष्क को हील करो अपने डीएनए को हील करो अपने पास्ट लाइफ को हील करो ये ओनली हीलिंग है जो कहते हैं ना अपने डीएनए को हील करती है जो दोष होता है वो भी डीएनए से होता है जब हम दस मोडेलिटीज ऑफ हीलिंग को मिला देते हैं दैट इज़ मैग्निफाइड हीलिंग मैं नहीं बोल रही इधर से सीखो कहीं से भी सीखो ये जब चीज होती है हम अपने आभा मंडल को एकदम ऊंचे स्तर पर पहुंचाते हैं हम हमारी आत्मा जब उस परमात्मा से मिलती है वी राइटर ओन डेस्टिनी हंड्रेड परसेंट नहीं टू थाउजेंड परसेंट बाबा ठीक है जी चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो वीडियो को लाइक करो शेयर करो इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए ओके देन बाय नमस्कार